कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव रामनगर में दो तीन दिनों में 37 मवेशी बीमार थे, जिनमें से अब 19 की मौत हो चुकी है। पशु डॉक्टरों ने इसके पीछे जहरीले चारे खाने का कारण बताया है। मामले को गंभीरता से देखते हुए राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि इस बारे में मुख्यमंत्री व DC से बात करेंगे और उन्हें हर संभव सहायता दिलवाई जाएगी। डॉक्टरों से बातचीत की और वह दिशा निर्देश दिए कि बीमार पशुओं को अच्छा से उपचार दिया जाए। गांव की महिला बलजिंदर व विमला देवी ने बताया कि हमेशा की तरह गांव के नज़दीक से चारा लाए थे, जिसे खाने से गांव के मवेशी काफ़ी संख्या में बीमार हो गए। उन्होंने बताया कि सभी पशु दुधारू थे, जिनकी कीमत 60 से 70 हज़ार प्रति मवेशी बताई जा रही है। चलिए आपको दिखाते हैं अर्थ प्रकाश संवाददाता से क्या बातचीत हुई। पशुओं ने चारा खाया और क्या समस्या सामने आई और कितनी भैंस? ये 8 तारीख को जैसे हमें पता चला कि पूरे गांव में जो है गायों की भैंसों की जो मौत हो रही है, तो उसके बाद हमने गांव वालों से पता किया कि भाई अब खाना वाना इतना चारा कहाँ से लाए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पीछे एक जगह है, खाली जगह, वहाँ से वो चारा लेके आए थे सारे के सारे, जो 11-12 घर हैं जी। और वहाँ से चारा खाने के बाद जो है उनकी हालत जो है ख़राब होती गई। हमारे पहुँचने से पहले ही जो है 5-6 मक्के जो है हो चुकी थी जी। उसके जैसे ही बाद हमने आगे जो है प्रशासन ने और हमारे डिपार्टमेंट ने और सरपंच साहब की हेल्प से जो हमने जो है सारा सिस्टम, जैसे हमारे SDO साहब ने, डीजी साहब ने जो है यहाँ पे डॉक्टरों की टीम गठित कर दी और हमने ट्रीटमेंट शुरू कर रखा। तो अभी जहर का पता पाया कि क्या क्या रही चीज़? हमने सैंपल जो है टीम आई थी वो लेके जो उन्होंने भेज दिए हैं, और क्या है कि कुछ दिन छुट्टी होने के कारण वहाँ पे अपना हिसार में भेजे हुए हैं सैंपल, तो अभी टेस्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमने पोस्टमार्टम भी कंडक्ट किया है, तो उसमें ये पता चला है कि इसको जो है जहरीली चीज़ ज़रूर खाई जी। वो कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोराइड्स, कई चीज़ें होती हैं। एग्जैक्टली जो है वो बाद में पता चलेगा जैसे भी रिपोर्ट आएंगी, लेकिन है ये पॉइजनिंग। टोटल पशु कितने हैं? टोटल जो है 37 पशु हैं जो अफेक्टेड हुए थे, जिनमें से आज तक 19 जो हैं वो कैजुअलिटी हो चुकी हैं, और बाकी का ट्रीटमेंट जो है हमारी टीम जो है सुबह शाम जो है कर रही है। सर आपका पिक्चर? मैं डॉक्टर अजय गोस्वामी, वेटनरी सर्जन GVH छावा। बारे में कैसे आपने कॉन्टैक्ट किया? मुझे भी सुबह 8 तारीख को पता लगा है। उसके बाद हमने डॉक्टर साहब की टीम बुलाई यहाँ पे, और लगातार यहाँ डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं सारा। उसके बाद मंत्री जी के पास हमने पूरी हेल्प मांगी गाँव वाले के लिए, तो मंत्री भी कल आश्वासन दे गए हैं कि मुख्यमंत्री से बात करूंगा, जितनी भी वो समस्या होगी उसको फॉलो करेंगे। तो इसके बारे में आपको कैसे मतलब पता लगे जी? ये इस ढाबे के पीछे खेत खाली पड़े हैं, ये वहीं से सारा गांव घास लेके आया है, और बारिश की वजह से सारा पानी वहीं पर इकट्ठा हुआ है इस खेत में। उसकी निकासी किसी तरफ हो ही नहीं, पानी की सूखने के बाद घास हरा हुआ है, उसके बाद सारे घर वहीं से घास कट कर लाए हैं। तो जैसे यहाँ ग्रामीणों से पता, प्रशासन ने बंद कर दिया जो लाइट पहले लग रही थी ना, ये सोलर लाइट, वो उन्होंने बंद कर दिया लाइट। जैसे गंदगी में घास पैदा आपके गांव के चार पैदा भी हो रहा है, उसके बारे में भी कई बार आपसे मिल चुके हैं? नहीं, घास तो हमारे गांव में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सारी गलियाँ साफ सुथरी पड़ी हैं जी, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे पीछे आपका? मैं सरपंच प्रधान सिंह राम। हम घास काट कर लाए वहाँ थे, प्रिंस के पास थे, हमारी तीनों की सारी गाँव की मैं समर गई यहाँ थे, 15-20 में समर गई जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, कुछ बीमार पड़े सारे गाँव हमारे, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, असर है, कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। देखो जी हमारी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सब गरीब बंदे हम, सारी औरतें घास लाइया वहाँ थे, जो भी होया सारा उस घास की वजह से होया, जितने डंगर हमारे सारे पशु मर चुके, सारे डंगर कुछ बीमार पड़े जी, कुछ मर चुके, बोलो जी हम क्या करें, हमारा कुछ मसला हल होना चाहिए जी। गरीब बंदा कहाँ से लेगा घास, गरीब ही, हमारे पास जमीन नहीं, जायदाद नहीं, दिहाड़ीदार बंदे हैं सब, सारे दिहाड़ीदार बंदे हम घास लाए जी, जिम्मेदार की लोड़ पर ही जाऊंगे घास, बोलो जी कहाँ से अपना पेट पाला, किस तरह कर अपने बच्चे पाले, नशे मिले। एक हफ्ते से भैंस बीमार है जी हम गाँव में, और जी डॉक्टर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये अचानक जैसे 2 दिन से बीमार थी, तो आपने हॉस्पिटल में फ़ोन किया? हॉस्पिटल में फ़ोन किया जी, डॉक्टर भी आए, जो आसपास के थे वो भी बुलाए। कितने दिन के बाद डॉक्टर आए? डॉक्टर जो आसपास के थे वो तो तुरंत आ गए जी फ़ोन करने से, तो ग्लूकोज वगैरह टीके वगैरह वो लोग आते रहे, जैसे भी था उनको कुछ समझ में नहीं आया। जब उनके बस से बाहर होगी उन्होंने कहा भी बड़े डॉक्टर बुलाओ भी, फिर हम बेदी जी के दफ्तर में गए रेस्ट हाउस में, वहाँ बेदी जी ने मिले जी, बेदी जी ने फ़ोन करा डॉक्टर,
करनाल करा, फिर वहाँ से कोई टीम भेजो। तो आपकी भैंसें कितनी थी? मेरी दो भैंस थी, पूरी एक कल मर गई। अच्छी एक ये एक दो दिन में जाने वाली थी, ये भी मर गई। गरीब आदमी अब यहाँ तो जैसे कल यहाँ पर मंत्री जी आए थे, तो क्या आश्वासन आपको मिला? मंत्री जी तो ये बोल के गए जी आपको लोन दिलवा देंगे, और खट्टर जी के पास जा रहा हूँ मैं, वहाँ से उससे कुछ मदद हुई तो 20,000 दिलवाऊँगा। तो यहाँ मौजूद है सरपंच, उनसे क्या बात हुई? सरपंच से तो हमारी कोई बात नहीं हुई जी, सरपंच भी हमारे साथ। वैसे तो आप क्या चाहते हो? बस हम तो यही चाहा जी जो गरीब आदमी है उनका कुछ बन जा, भला हो जा। सब दिहाड़ी मजदूर वाले हैं जी यहाँ। तो टोटल कितनी भैंसें यहाँ मर चुकी हैं अब तक जी? 24-25 भैंस मर गई, जो ताजी भी आई हुई थी बीच में, कुछ ब्याने वाली थी, कुछ बच्चे भी थे छोटे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाग सिंह है। कौन से हो? रामनगर से जी, रामनगर जिला कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट शाहवाल। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।